दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही चैनल उषा की किरण में। आज हम बात करने वाले हैं अतुल ऑटोज के बारे में, जिसके अंदर एक डिलीवरी ऑटो है, उसके बारे में मैं आपको पूरी डिटेल बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों अतुल ऑटो जो है सीएनजी, पेट्रोल और डीजल तीनों ही तरह के फ्यूल ऑप्शंस के अंदर अवेलेबल होता है। ये ऑटो दोस्तों पैसेंजर, कार्गो और डिलीवरी, इस तरह के कई सारे जो पर्पज़ हैं उनके लिए इसको यूज़ में लिया जाता है। इसके अंदर हमें 435 सीसी का इंजन मिलता है, जो कि 4-स्ट्रोक इंजन होता है, एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि 6 किलोवाट का आपको पावर देता है और 21 Nm का इससे हमें टॉर्क मिल जाता है। दोस्तों काफ़ी फ्यूल एफिशिएंट ऑटो है। अगर इसके फ्यूल एफिशिएंसी की बात करें तो लगभग 34-35 किलोमीटर पर लीटर का ही आपको इजीली माइलेज दे सकता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको 10 इंच के टायर मिलते हैं। काफ़ी सस्पेंशन अच्छा है। अगर फ्रंट में सस्पेंशन के बारे में बात करें तो आपको लीडिंग लिंक विद डुअल एक्शन शॉक एब्जॉर्बर सस्पेंशन आपको फ्रंट में मिल जाता है। और सामने की साइड में यहाँ पर दोस्तों आपको काफ़ी बेहतरीन खूबसूरत हेडलाइट्स और इंडिकेटर्स देखने को मिलते हैं। तीनों ही व्हील के ऊपर आपको सुंदर कैप्स मिलते हैं, व्हील कैप, जिनके कारण इसका लुक जो है आपको अच्छा लगता है। आपको लगता है कि इसके अंदर आपने अलॉय व्हील्स का यूज किया हुआ है। केबिन के अंदर भी दोस्तों अगर हम बात करें तो इसकी केबिन जो है वो बंद आती है, और केबिन के अंदर ड्राइविंग के दौरान ड्राइवर के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए उसके लिए यहाँ पे सीट्स भी अच्छी दी गई हैं। यहाँ पे 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, एक ड्राइवर और एक इसका हेल्पर। दोस्तों डैशबोर्ड के ऊपर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको शो होती हैं ड्राइविंग के दौरान, जिनकी ज़रूरत होती है। लाइक आपको स्पीडोमीटर देखने को मिलता है, फ्यूल गेज वगैरह देखने को मिलता है, और आपका ट्रिप वगैरह, इस सब के लिए आपको ऑडोमीटर, ट्रिप मीटर वगैरह सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर आपको शो हो जाती हैं। लाइट्स के कंट्रोल आपको डैशबोर्ड पर देखने को मिलते हैं। कुछ आपको वहाँ पर आपके यूज़ के लिए, कुछ मतलब सामान वगैरह रखने के लिए भी कुछ पॉकेट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। दोस्तों इस ऑटो के अंदर आपको 4 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स, यानी कि टोटल अगर देखा जाए तो 5 गियर मिलते हैं। इसके अंदर आपको जो क्लच मिलता है दोस्तों वो वेट मल्टीपेज प्लेट जो है क्लच मिल जाता है। रियर में अगर मैं आपको सस्पेंशन के बारे में बताऊं तो स्विंग आर्म ट्राइंगल विद हैवी ड्यूटी रबर स्प्रिंग एंड डुअल एक्टिंग शॉक एब्जर्वर सस्पेंशन आपको रियर में मिलता है। ऑटो के अगर इसकी ऑन रोड प्राइसिंग के बारे में हम बताएं दोस्तों आपको, तो ये लगभग 2,65,000 रुपये के आसपास ऑन रोड आपको पड़ जाता है। 2930 mm की इसकी ओवरऑल लेंथ होती है, और चौड़ाई की बात करें तो 1450 mm की चौड़ाई होती है, और हाइट की अगर बात करें ऊंचाई की तो 1830 mm की इसकी ऊंचाई आपको मिल जाती है। व्हील बेस दोस्तों इसका और बाकी वेरिएंट्स में देखें तो कुछ अलग आता है, यानी कि थोड़े अलग अलग व्हील बेस के अंदर आता है ये। फिलहाल हम जिसकी बात कर रहे हैं ये आपको लगभग 2100 mm के व्हील बेस में आता है। और इसके अंदर दोस्तों आपको GVW यानी कि ग्रॉस व्हीकल वेट की बात करें तो 995 किलोग्राम इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है, और कर्व वेट की बात करें तो 425 kg का इसका कर्व वेट होता है। यहाँ पर दोस्तों आपको इसके कंपनी द्वारा जो गारंटी मिलती है, 2 साल की गारंटी मिलती है अनलिमिटेड किलोमीटर्स की। और पीछे की साइड में दोस्तों आपको कार्गो जो एरिया मिल रहा है वो लगभग आपको यहाँ पर 5.5 बाई यानी कि 5.5 फीट लंबाई में और 4.5 फीट के करीब चौड़ाई में आपको यहाँ पर जो है इसका कार्गो एरिया मिल जाता है। यहाँ पर अगर हम इसके फ्यूल टैंक की बात करें तो एक छोटा सा फ्यूल टैंक मिलता है, जिसके अंदर आप 10 लीटर के आसपास इसमें डीजल फिल कर सकते हैं, या पेट्रोल है तो पेट्रोल भी फिल कर सकते हैं अगर आपका पेट्रोल गाड़ी है तो। पीछे का जो लुक है कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जहाँ पर आपको टेल लैंप्स और पार्किंग लाइट और इंडिकेटर वगैरह दिखते हैं। इस ऑटो के अंदर दोस्तों जो इंजन मिल रहा है आपको वो रियर माउंटेड इंजन मिलता है, यानी कि पीछे की साइड में इसका जो इंजन है वो माउंटेड होता है। और अगर इस इंजन के बारे में आपको ज़रूरत पड़ने पर आपको अगर कुछ इंस्पेक्शन करना है, कुछ इंजन की चेकिंग वगैरह करनी है, तो उसका जो पॉइंट है ओपनिंग का वो आपको कार्गो बॉडी एरिया के अंदर ही दिया जाता है, जो कि एक लॉकेबल फैसिलिटी के द्वारा उसको सेव किया गया है। यानी कि आपके ऑटो के इंजन को और कोई नहीं छेड़ सकता है, आप की के द्वारा उस एरिया के जो एक इस तरह की जो प्लेट है आप इसको आसानी से खोल सकते हैं, और यहाँ पे आप अपने इंजन के जो भी इंस्पेक्शन करना है या कुछ जाँच पड़ताल करनी है डेली रूटीन, आप उस सबको कर सकते हैं। तो दोस्तों काफ़ी अच्छा ऑटो है। मैंने पहले बजाज ऑटो वगैरह के काफ़ी रिव्यू बनाए हुए हैं, महिंद्रा ऑटोज़ के रिव्यू बनाए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो मैं आपको आई बटन के अंदर उनके लिंक दे दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। फिलहाल मैंने आज अतुल ऑटो के अतुल जैम के बारे में आपको इसके कीमत, इसके जो भी स्पेसिफिकेशन है सारी की सारी डिटेल्स में आपको बताया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों एक छोटा सा रिव्यू आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कर सकते हैं, और आप अगर कोई और सुझाव देना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। तो आज के लिए इतना, कल फिर मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।